नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई तो जी सिंपल डेफिनेशन है इसका क्या होता है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंजर टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकमोडेशन वट हैपन टू द मेज डिस्टेंस इन द आई वेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई से इंक्रीज करेंगे तो जो आई के बीच बनने वाली इमेज का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर क्या अफेक्ट होगा तो इसका आपके पास आंसर आएगा इमेज डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नेक्स्ट नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट तो जहाँ पर Uh, कौन सा आई का पार्ट है ह्यूमन आई का पार्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका नाम आपके पास आएगा सिलरी मसल तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे सिलरी मसल्स आएगा सिलरी मसल जब रिलैक्स होंगे तो क्रवेचर ऑफ आई लेंज थिन होगा फोकल लेंथ आई लेंज के आपके पास इंक्रीज हो जाएगी तो हम कौन सा पॉइंट दे सकते हैं फार पॉइंट इजीली तो नेक्स्ट जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे कर्वेचर ऑफ आईलैंड थिकर होगा तो देन फोकल लेंथ ऑफ आईलैंड डिक्रीज होगा वी आर एबल टू तो सी नीयर पॉइंट क्लियरली तो ये वा आपने साथ रीज़न बताना था